नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्याय में रत्नों के बारे में बताया गया है। रत्नों में आपको मैंने रत्नों का सामान्य परिचय बताया पहले, इसके बाद में रत्न परिचय के बाद में माणिक्य के बारे में बताया, जिसे रूबी कहते हैं। मुक्ता के बारे में बताया आपको, प्रवाल के बारे में बताया आपको, कोरल कहते हैं, मरकत, पन्ने। पिछले अध्याय में मैंने आपको पन्ना एमरल्ड के बारे में बताया, एमरल्ड भी बहुत कीमती धातु है। इनके बारे में बताया कि शास्त्रों में क्या वर्णन उपलब्ध है, किस तरह की भस्मों का प्रयोग करके अपने प्रयोग करते थे, इन सब के बारे में आपको मैंने पूर्व में बताया है। इन सबको आप ढंग से पढ़ें, याद करें। रत्न चिकित्सा में अवश्य विशेष कीमती हैं, इनकी भस्में कीमती हैं, लेकिन चिकित्सा औषधीय गुणों में ये उतने ही कार्यकारी होते हैं। ऐसी स्थिति में जब रोगी को सामान्य औषधियों का लाभ नहीं होता है, तब हम विशेष औषधियों में रत्नों का प्रयोग करते हैं, और इन रत्नों की औषधियाँ निश्चित रूप से रोगी को लाभ के साथ साथ रोगी को निरोग बना देती है, शुद्ध बना देती है, रोगी के शरीर को स्थिरीकृत कर देती है। इतनी इन रत्नों में शक्ति है। इसी आधार पर मैं आपको आगे पुष्पराग, पुखराज, टोपाज रत्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी रत्न है, इस रत्न को रत्न वर्ग में रखा गया है। नाम संस्कृत में पुष्पराग है, हिंदी में पुखराज कहते हैं, अंग्रेजी में टोपाज कहते हैं। रासायनिक सूत्र इसका AlF2OH स्क्वायर SiO4, इस तरह का सूत्र है इसका। काठिन्य 8 है, आपेक्षिक घनत्व 3.6 है। इस प्रकार से इसका ये सामान्य इसका विवरण है। पर्याय में, इसके पर्यायों में पुष्पराग, पुष्पराज, पीत रक्त, गुरु रत्न, पीत मणि, गुरु वल्लभ, पीताश्म, मंजू मणि, वाचस्पति वल्लभ, इस प्रकार से इसके पर्याय कहे गए हैं। इन पर्यायों से इसको उद्गत शास्त्रों में किया गया है। इतिहास, सर्वप्रथम वाराह मिहिर कृत ज्योतिष ग्रंथ 5वीं सदी बृहत संहिता में इसका उल्लेख मिलता है, पुष्पराज का, पुखराज का। तत्पश्चात लगभग सभी रस ग्रंथों में 8वीं सदी से, 5वीं सदी के बाद सीधे 8वीं सदी, इसका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। पौराणिक दृष्टिया दैत्यों के चर्म हिमालय पर जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ पुष्पराज उत्पन्न हुआ। दैत्यों के चर्म, यानी चर्म बोलते हैं अंगों के टुकड़े, चर्म इसकी स्किन के टुकड़े, ये सब चर्म कहलाते हैं। तो दैत्यों की
देवता और दैत्यों के युद्ध हुआ होगा। सामान्यतः संभवतः उस वक्त ये दैत्यों के चर्म हिमालय पर गिरे होंगे, वहाँ वहाँ पुष्पराग की उत्पत्ति बताई है, इस प्रकार का इसमें कहा गया है इतिहास में। परिचय, यह सुंदर स्वर्ण सदृश स्वर्ण के समान, अम्ल तास पुष्प सदृश अम्लतास के पुष्प के सदृश, पीत वर्ण का पाषाण रत्न है, सभी रत्नों को पाषाण रत्न ही कहा गया है, पाषाण रत्न है, कीमती पाषाण रत्न है। इसके टुकड़े प्राय रंगहीन किंतु कभी कभी हल्के पीले वाइन येलो भूरे या नीले रंग, हरे रंग के, बैंगनी या गुलाबी, लाल रंग के मिलते हैं। इसके टुकड़े प्राय चतुष्कोणाकार चार कोण के होते हैं, चतुष्कोणाकार है। रासायनिक दृष्टिया यह फ्लू फ्लोराक्सी सिलिकेट ऑफ एल्यूमिनियम है। यह गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है, यह गुरु ग्रह जो है उसका रत्न है, उसको प्रसन्न करता है, उसकी होने वाली बाधाओं में इसका धारण करते हैं, उन बाधाओं को ये समाप्त करके शुभ संकेत वाला होता है। तो इसलिए इसको गुरु ग्रह की अगर कोई बाधा किसी को होती है तो उसमें ये पुखराज धारण किया जाता है, लेकिन उत्तम कोटि का पुखराज धारण करने पर ही शुभ फल देता है। अगर मान लो निम्न कोटि का धारण करोगे तो शुभ नहीं देगा। निम्न कोटि के अलावा असली जो होता है उसको पहचान करने वाला व्यक्ति, वही उसको उस ग्रह का शमन करने वाला होता है। प्राप्ति स्थान इसका उत्तरी एशिया, वर्मा, श्रीलंका, ब्राज़ील, जापान, मैक्सिको, कैलिफोर्निया तथा हिमालय पर्वत मालाओं से इसकी प्राप्ति होती है। हिमालय पर्वत भारत में हिमालय पर्वत मालाओं से भी इसकी प्राप्ति होती है, जैसे कि कहा गया था कि दैत्यों के चर्म जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ बना गया, तो वहाँ से प्राप्त होता है। भेद, रस ग्रंथों में इसके भेद उपलब्ध नहीं होते हैं, रस ग्रंथों में इसके कोई भेद नहीं है। युक्ति कल्पतरु एक पुस्तक है, उसके अनुसार इसके दो भेद मिलते हैं। पद्म रागवत एवं मरकतवत, एक तो पद्म रागवत एक मरकतवत। वर्ण भेद से यह पीत पांडु श्वेत एवं गुलाबी चार प्रकार का होता है। वर्ण भेद से पीत होता है, पांडु होता है, श्वेत होता है और गुलाबी होता है, चार प्रकार का होता है। अब ग्राही पुष्पराग कैसा होता है उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ कि किस प्रकार के पुष्पराग या पन्ना या मर या उसको धारण करना चाहिए, लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। जो पुष्पराग भारी हो, गुरु हो, मतलब भारी गुरु हो, स्निग्ध हो, स्निग्ध का मतलब चिकना हो, स्वच्छ हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, स्थूल मोटा हो, सम आकार का हो, आकार में समान हो, मृदु कोमल स्पर्श हो, इसका स्पर्श बहुत कोमल हो, कनेर पुष्प की आभा वाला, कनेर का पुष्प पीले रंग का होता है तो कनेर पुष्प की आभा वाला हो, मृषण हो, चिकना, इन आठ गुणों से युक्त है। ये आठ गुण बताए गए हैं इसमें, हर एक में सात थे, इसमें आठ गुण। कौन सा? भारी हो, स्निग्ध हो, स्वच्छ हो, स्थूल हो, समाकार का हो, मृदु हो, कनेर पुष्प की आभा वाला हो तथा मृषण हो। इन आठ गुणों वाला युक्त वाला होना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। यह शुभ माना गया है, इसको शुभ मानते हैं। कसौटी पर घिसने पर इसका वर्ण, जिसका वर्ण और भी साफ दिखाई दे, ऐसा पुष्पराग उत्तम माना गया है, इसी को ग्रहण करना चाहिए। अब अग्राह्य कैसा होता है, जिसको ग्रहण नहीं करें वो किस प्रकार का होगा, जो ग्रहण नहीं करने वाला है उसको? प्रभा रहित, चमक रहित हो,
जिसमें कोई चमक नहीं हो, प्रभारहित हो, खुरदरा हो, रूक्ष हो, रूखा हो, पीत पीले रंग का, श्याव वर्ण का, काला, ऊंचा, नीचा, कपेशवर्ण, भूरा, फीके रंग वाला पुष्पराग त्याज्य माना जाता है। इस प्रकार की पुष्पराग को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस कुल मिला के जो ऊपर पहले 8 गुणों वाला था, उस प्रकार की पुष्पराग को औषधि कार्य के लिए और ग्रह बाधा में ग्रहण करने के लिए लेना चाहिए। ये गुरु ग्रह का में धारण करने वाला यंत्र है, उसकी बाधाओं को दूर करने वाला यंत्र है, इसमें धारण करना चाहिए। पुष्पराग का शोधन कैसे करेंगे? अब समान भाग कुलत्थ क्वाथ, मतलब जितना पुष्पराग हो उसके समान भाग कुलत्थ का क्वाथ लें और कांति मिश्रित द्रव में ज्वालायंत्र विधि से पुष्पराग का 3 घंटे तक शोधन करने से यह शुद्ध हो जाता है। तो दो बात होगी, दो तरीके हो गए, एक तो समान भाग कुलत्थ क्वाथ हो और कांजी मिश्रित द्रव हो, ज्वालायंत्र विधि से इसमें पुष्पराग को 3 घंटे शोधन करें तो ये पुष्पराग शुद्ध हो जाता है। इसके मारण के लिए पुष्पराग, शुद्ध पुष्पराग को मारण के लिए प्रथम इमाम दस्ते में अच्छी प्रकार चूर्ण कर लें। अब इसमें पुष्पराग के समान भाग में शुद्ध गंधक, शुद्ध हड़ताल, शुद्ध मनशिला लेकर लकुट स्वरस से भावित कर चक्रिका बना सुखा कर संपुट में बंद कर गजपुट में की अग्नि में पाक करें, गजपुट की अग्नि में पाक करें। ऐसे इसी प्रकार 8 से 10 गजपुट की अग्नि में पुष्पराग को की उत्तम भस्म बन जाती है, श्रेष्ठ भस्म बन जाती है। इसका इस भस्म का वर्ण श्वेत वर्ण का होता है, ये इस प्रकार की भस्म उसमें बन जाती है। पुष्पराग की पिस्ती कैसे बनाएंगे? पिस्ती बनाने के लिए लोहे के इमाम दस्ते में शुद्ध पुष्पराग को अच्छी प्रकार कूट कर पीस कर सूक्ष्म कपड़छान चूर्ण कर लें, बना लें, उसको रख लें। तत्पश्चात अच्छे पत्थर की खरल में 3-4 दिन तक गुलाब जल में घोट कर रख सुखा लें। गुलाब जल में घोटते रहें उसको सुखा लें। इसे पुष्पराग की पिष्टी कहते हैं। यह पांडुर वर्ण की होती है, जितने भी रत्न हैं उनकी सबकी भस्में भी होती है और पिष्टी भी होती है। सबको गुलाब जल में घोट पीस कर उनकी पिष्टी बनाई जाती है और उसको सुखा ली जाती है, वही उनकी पिष्टियाँ होती है। पुष्पराग की भस्म और पिष्टी की मात्रा क्या है? 1/4 रत्ती से लेकर के 1 रत्ती तक इसकी मात्रा दे सकते हैं और रोग एवं रोगी के बल और काल के अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। पुष्पराग के गुणकर्म क्या क्या है? इसका गुण लघु तथा वीर्य शीत होता है। यह विषग्न है, विष की बाधा को दूर करने वाला है, सर्दी मतलब वमन को, कफ और वात को, अग्निमांद को, दाह को, शरीर में जलन हो रही हो उसको, कुष्ठ लेप्रोसी रोग कुष्ठ रोग को, एवं रक्त पित्त नाशक है, रक्त पित्त का नाश करता है, नाक से जो रक्त गिर रहा हो उसको नाश करता है, शीतल है इसलिए, तथा दीपन पाचन है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, भोजन का पाचन करता है। यह मेध है यानी मेधा को बढ़ाने वाला है, बुद्धिवर्धक है, ग्रहण करने वाला है, पुष्टि प्रदान करता है, आयुष्यकर आयु को बढ़ाने वाला है, आयुष्यकर है, तथा अर्श में लाभकारी है। ये अर्श रोग यानी पायस रोग में ये अत्यंत लाभकारी है, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख बताया गया है। पुष्पराग के प्रमुख योग क्या क्या हैं? नवरत्न राज मृगांक रस का प्रमुख योग है, मणि पर्पटी इसका प्रमुख योग है, तथा रत्न भागोत्तर रस इसका प्रमुख योग है। इन प्रमुख योगों को प्रयोग करके
इस पुष्पराग से निर्मित औषधियों का प्रयोग करके और उपयुक्त जो व्याधियाँ बताई हैं उन व्याधियों में प्रयोग करें। मेध्य है, आयुष्कर है, अर्थ में अत्यंत लाभकारी है, इसका प्रयोग करें। धन्यवाद। थैंक यू।